योगी सरकार में भी दलाल नहीं भूल रहे अपनी आदतें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कर रहे हैं खुलेआम दलाली। संभल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दलालों का हुड़दंग जारी। गरीब परिवारों से लिस्ट में नाम चढ़ाने को लेकर संभल में ली जाती है रिश्वत, और अगर आपने रिश्वत ना दी तो आपका नाम काट दिया जाएगा लिस्ट से। यह मामला संभल के नवादा मोहल्ला नेवाद नगर में देखने को मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मिथिलेश नाम के लड़के व उसका एक साथी और 4-5 महीने पहले कुछ लोगों से 4 से 5 हज़ार की रिश्वत ले गए। वह ग्रामीणों से कह कर गया कि मैं ही नहीं रिश्वत ले रहा, हमारे बड़े अधिकारी ले रहे हैं। इस पत्र में उसने तो जिलाधिकारी के लिए भी लपेट लिया, हमारे बड़े अधिकारी भी हिस्सेदार हैं। अब ना ही ग्रामीणों का ना कहीं आवास है और ना कहीं लिस्ट में नाम है, और ना ही ग्रामीणों को लगाया रिश्वतखोर ने चूना। धड़ल्ले से चल रही है अभी भी सरकार पर रिश्वतखोरी। अब देखना ये है कि इन रिश्वतखोरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? ये बता दीजिए कितने पैसे लिए और कितने कितने अब मांग रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरीना। कौन सा मोहल्ला है? नवादा मोहल्ला है। ये लड़का इनका ही है। किस किन लिए आपसे पैसे? मिथिलेश ने लिए थे, 1000 रुपए ले चुके हैं, 1000 रुपए अब मांगना है। तो काय के ऊपर लिए थे पैसे आप? कॉलोनी के। तो कॉलोनी बन गई आपकी? नहीं, अभी नहीं आई कॉलोनी, नहीं आ रही अभी। अच्छा, काफी टाइम हो गया। आ जाएगी। कौन सी जगह है जब आप रह रही हैं यहाँ पे? बंगर का इलाका बोलते हैं। तो आपसे कौन पैसे ले गया? मुझे नाम जाना। तो काय के नाम पे ले गए पैसे आप? कॉलोनी के ऊपर लगा 6000 रुपए बोले तो कितने? दूसरा के जल्दी काम करवा देंगे हम। कितने दिन हो गए? ऐसे हो गए होंगे, जब पैसा आए थे 6 महीने हो गए होंगे हमारे घर को। अच्छा, 6 महीने हो गए। मेरा नाम मौसम है। कौन सा मोहल्ला है? नवादा मोहल्ला, रहमत नगर। अच्छा, क्या क्या मामला था टुडे को आपका? मामला ये था कि मिथिलेश अब से 4-5 महीने पहले पैसे ले गया था सबसे 1000 रुपए जी। उसके बाद में इसे हम फोन करते रहे, इसकी तबीयत खराब थी जी। ये बोला मैं दुर्गा कॉलोनी में रहता हूँ जी। हमने कही ठीक है, बोला मैं अभी तो आ नहीं पाऊँगा, मुझे टाइम लगेगा तबीयत सही होने में। नहीं सही है। मैं जी कब तक काम हो जाएगा सर? तो ये बोला कि भाई काम तो अभी नहीं हो रहा, 2-3 महीने। बहरहाल ऐसा है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो मैंने कि भाई ऐसा, तो जो पैसे हमारे ले गए वो वापसी कर दो जी। तो इनने ये बात कही कि पैसा तो खैर वापसी नहीं होगा, बड़े अधिकारियों को दे चुके हम पैसा जी। मैं इनने डीएम तक का नाम लिया था, बोले डीएम साहब को भी पैसा पहुंच गया जी, और बोले ये विभाग को पैसा जाता है, बोले इसलिए पैसे लेने पड़ रहे हैं। तो हमने कही मैंने कि हम काम नहीं कराते, तुम हमारा पैसा हमें वापसी दे दो। कितने लोगों से ले लिया वो पैसा? मेरे मोहल्ले से कम 9-10 जनों से पैसा ले लिया। 9-10 जनों से जी। तो फिर वापिस हुआ पैसा? नहीं, वापिस पैसा नहीं हुआ। तो फिर कहीं से? ये दो जने थे, एक जने का नाम नहीं जानता हूँ मैं, मिथिलेश को तो जानता हूँ, उसका नाम नहीं जानता जो साथ में है। अच्छा, अमन, मेरे ख्याल से अमन लड़का दिखा है वो, मैं उसे सूरत से पहचान लूँगा। कहीं शिकायत करी क्या उसकी? उसकी शिकायत क्या करी, कल हम तमाशे ऑफिस में गए थे तो मैडम से बात हुई थी। मैडम ने कही कि हमारे बड़े अधिकारियों में हम ही 3 जने बड़े अधिकारी हैं, हम में से कोई पैसा नहीं लेता है। बोले जहाँ भी ये मिल जाए तो इसकी पकड़ के वीडियो बना लेना। अच्छा, ये बात हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौसम। डूडा विभाग का कोई मामला सामने आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं पहले अपना रेफरेंस दे दूँ, मैं दलित मुस्लिम सुरक्षा मंच से प्रदेश अध्यक्ष हेमलता वर्मा। डूडा विभाग की हमारे पास काफ़ी समय से इस मिथिलेश नाम के लड़के की शिकायतें आ रही थी। महिलाएँ कई बार मेरे पास आईं मेरे कार्यालय पर, मुझसे शिकायत की और मैंने उसे फ़ोन करके फिर बुलवाया भी। मैंने कहा बुला लो इसे, तब हम इसे देखते हैं। तो उसने, वो उस समय पहले भी पैसे ले करके गए थे, महिलाओं से कह रहे थे अगर तुम पैसा नहीं दोगी तो हम तुम्हारे लिस्ट से नाम काट देंगे जी। और मेरे ही हाथ में है पैसा देना। उसने इतनी गरीब महिलाएं हैं जिनके पति विकलांग हैं, उन महिलाओं से भी किसी से 2000, किसी से 1500, किसी से 500 रुपये लिए हैं, और जिनसे 500 लिए उनसे और लेने का वादा करके वो आज फिर आए थे। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ पर भेजा, मेरे कार्यकर्ताओं ने उसे रंगमा तो पकड़ा जी, जो कि पैसों की मांग कर रहा था। मेरे कार्यकर्ताओं ने उससे ये कहा कि तू गरीब महिलाओं का पैसा जो है वो वापस कर दे। तो उसने ये कह दिया मैं वापस नहीं करूँगा, जो तुमसे हो वो कर लेना, मैं तो अधिकारियों को पैसा दे रहा हूँ, मेरे अधिकारी मुझे बचा लेंगे। अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करवाओगे? इन्हें तो मैं FIR करूँगी इनके नाम की जी, क्योंकि मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि गरीब महिलाओं के साथ, गरीब परिवारों के साथ सोचा हो, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम। जैसे अधिकारी ना सुनवाई करेंगे फिर से? अगर अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की तो इसके लिए हमें चाहे रोड पे आना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, रोड जाम करना पड़े, वो हम करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों से 6000 रुपये जी हाँ लिए हैं, काफ़ी पैसा इसने इकट्ठा किया है।